did. Miguel. Oh, my friend. सत्ताईस जनवरी दिन है सैटरडे शनिवार और थाईलैंड आए हुए मेरे ख्याल से 10वां या फिर 11वां दिन 17 को आया था तो 17 से 27 11वां दिन अभी सुबह उठा और उठ के हॉस्टल के जो ओनर है उससे बात की कि मैं अपना लगेज यहाँ पे रख रहा हूँ और थोड़ी देर घूम के फिर वापस आऊँगा। उसने बोला ठीक है ऐसा कर लीजिए। तो अब मैं दिन के अंदर ये यहाँ पे घूमने आया हूँ। यहाँ वैसे पूरी रात आया था, रात की वीडियो है यहाँ के, लेकिन अब दिन में अपन घूम रहे हैं तो चलो देखते हैं दिन में फीफी कैसा लगता है। फीफी पूरा 1 किलोमीटर के अंदर अंदर फैला हुआ, 500-600 मीटर उधर, 500-600 मीटर इधर बस, और 500-600 मीटर इधर अंदर वाले साइड, बाकी पूरा फिफ्टी खत्म है। तो 2-3 दिन से फुकेट में चाय पी रहे थे, चाय की थोड़ी आदत लग गई। चाओ को कॉफी हाउस है, चाओ को कॉफी हाउस, यहाँ का मेन्यू देखा तो यहाँ पे कॉफी और टी है, तो मैं एक एस्प्रेसो कॉफी मंगवा रहा हूँ। एस्प्रेसो पता नहीं क्या है, एस्प्रेसो कॉफी मंगवा के देखूंगा कैसी है। 60 बात की है, हॉट एस्प्रेसो हॉट 60 बात, डबल एस्प्रेसो 80 बात, अगर आइस में लेते हैं तो 90। तो मैं हॉट और एस्प्रेसो मंगाऊंगा, डबल एस्प्रेसो नहीं, एस्प्रेसो 60 बात की, और देखते कैसी है। रेट है सारी ठीक है, अच्छी है, नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि आइलैंड है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो इसलिए महंगी कर रखी है। प्योर कॉफ़ी पी नहीं सकता, इतनी गजब की कड़वी है, जहर इससे मीठा लगे। ये सामने है वो पियर जहाँ पे बोट आती है फुकेट से कराबी से, वो छोड़ती है देन यहाँ से वापस फुकेट कराबी के लिए निकलती है। और ये बाहर ये लोकल बोट खड़ी है, इनके ड्राइवर बाहर है, वो उनसे आप बार्गेन करिए और टूल लीजिए, एकदम सस्ता पड़ जाएगा ये तो। और ये है यहाँ पे फीफी ख़त्म, उस साइड से चालू, इस साइड से खत्म, उधर उधर सब जाने के लिए बोट चाहिएगी। और क्या व्यू है ये सामने, आ गए सर। ये वो बीच है जहाँ पे इंडियन मूवी की बहुत सारी शूटिंग्स होती है, वो सामने कहो ना प्यारे वाला, और ये पूरा
फीफी से अलविदा फीफी, अलविदा, बाय बाय। अब जाते हैं क्राबी, ये बोट है क्राबी की, लिए बोट वही उसी टाइप की, अंडरग्राउंड फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, यस। और ये फीफी का नज़ारा वापस से पियर से, ये एक ही पियर है फीफी पे, यहीं पे आपको बोट उतारेगी, यहीं से आपको वापस जाना है। चलो साहब, फीफी हो गया। निकला था 1:30, 2:30, 3:30 और 4, ढाई घंटे लगे। खैर, बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है, ये देखो। अभी तक रुकने का कोई पता नहीं है, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। ऑनलाइन देखा था आओ नांग पे रुकने का सबसे बढ़िया बोलते हैं, आओ नांग पे रुको, लेकिन ये बोट जो है ये पीपी पियर पे लाई है, जहाँ से आओ नांग 40 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, आओ नांग 17 किलोमीटर। सॉरी, टैक्सी वैक्सी मिल नहीं रही थी, तो बोट पे ये अपने दिल्ली वाले बंदे मिले, उनके साथ अब जा रहा हूँ आवनांग। What, my friend, you freeze? Hi, you, hi. एक भाई साहब ये और एक भाई साहब हमारे ये बेटे, इनके बॉस के फोन आते ही रहते हैं बार बार। तो अब चलते आवनांग, फिर वहाँ पे देखूंगा कुछ कि कहाँ रुकना है मुझे। आ तो गया हूँ हॉस्टल के पास, अब पता नहीं है किधर, देखता हूँ। मैं तो एकदम लोकेशन पे बता रहा हूँ इसकी, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। दिस वन लेको रूम एंड अपार्टमेंट, ब्रांको, या ब्रांको, हॉस्टल मिल गया। यहाँ से आवनांग बीच है अप्रोक्स 2 किलोमीटर, ठीक है, 180 बात के अंदर। डॉर्मेट्री बढ़िया है, मिक्स डॉर्मेट्री है, एयर कंडीशनर, ऊपर वाला बेड मिला है, स्विच यहाँ पे, लाइट और क्या, मेरे रूम पार्टनर बता दूँ आपको, सी दे ऑल आर माय रूम पार्टनर, जो इनकी बातें कर रहे हैं। और 180 बात में मुझे बढ़िया मिला है, बाइक 200 बात में मिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाइक ले लूँ और 2-3 दिन में यहीं पे रह लूँ, ये बढ़िया एकदम से। बाद में पूरा डोम बताऊँगा मैं तुम्हें कैसा है क्या है, अब थोड़ा रेस्ट कर देता हूँ।